हमारा प्रोग्राम है कि इस तरह भी हम लोग अभी तवज्जो देंगे और ये इस तरह के प्रोग्राम और भी करवाएंगे ताकि हमारे आर्टिस्ट को ये मौका मिल सके कि वो अपने जो आर्टिस्टिक वर्क हैं वो इसका एग्जीबिशन करवा सके। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं डेली कुदरत। नाज़रीन, आज इदारे सकाफ़त व सियाहत में एक फंक्शन रखा गया है, एक तकरीब रखी गई है जिसमें मुख्तलिफ जो आर्ट्स के लोग हैं उन्होंने अपना जो काम है, जो उनकी पेंटिंग्स वगैरह हैं, वो यहाँ नुमाइश के लिए ले आए हैं। और इसके लिए जो मशीर बराए खसूसी सकाफ़त व सियाहत हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने मसाइल को, खूबसूरती को और मुख्तलिफ मौजूआत को मुख्तलिफ तरीके से पेश किया है, उसकी आप चंद झलकियाँ देखें। चलते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर आर्टिस्ट और उभरते हुए और नौजवान आर्टिस्ट, उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बलूचिस्तान में क्या स्कोप है, आर्ट्स को किस नज़र से देखा जा रहा है और वो क्या क्या कहते हैं। चलते हैं उनसे पूछते हैं। इस एग्ज़िबिशन में शरीक हैं बलूचिस्तान की मशहूर और सीनियर आर्टिस्ट शाजिया। मैडम, कैसा लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्ट में बलूचिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको वो मकाम हासिल है जो आपको हासिल है, और दूसरा जो आप बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद जो आपने किया, लाहौर तक गई सीखा और अब अपने काम से जो पैगाम देती हैं बहुत मुश्किल काम है, तो मेरे ख्याल में हर बंदा आपका मुअत्तरिफ़ है। तो ऐसी आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है, आप तो सीनियर हैं, तो कैसा लग रहा है, इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगी और ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बलूचिस्तान में? आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि काफ़ी अरसे के बाद आज हम सब आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, आज हम आर्ट काउंसिल में इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सबका काम देख के। और जिस बेज में हम लोग थे वो सारे आर्टिस्ट आज यहाँ मौजूद है और उनका काम यहाँ पर डिस्प्ले है, और काम जो है यहाँ पर लैंडस्केप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में है, कल्चर पे है, काफ़ी खूबसूरत काम नज़र आ रहा है। बस अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे बलूचिस्तान में आर्टिस्ट के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है, स्कोप नहीं है आर्टिस्ट के लिए। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे आर्टिस्ट के लिए सारे यहाँ पे आज मौजूद है और अपना काम इन्होंने डिस्प्ले किया है। सही मैडम, एक और सवाल जो हर एक के जहन में है वो मुझसे भी करते रहते हैं कि मैडम आप बड़ी सीनियर हैं और आपके काम से लोग बड़े मुतासर हैं, आप सरकारी जॉब आपको मिली नहीं है, करना नहीं चाह रही हैं, ये क्या वजह है? देखिए, मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ाइन आर्ट्स में, और बैचलर यही से मैंने किया था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, और तमगा इम्तियाज़ भी हूँ मैं, नेशनल यूथ अवार्ड भी मैंने हासिल किया है, नेशनल यूथ काउंसिल का मेंबर भी हूँ, मेरी एनजीओज़ भी है, मगर स्टिल आई एम जॉबलेस। तो इसकी वजह अप्लाई नहीं करती, चाह नहीं रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, क्योंकि ऐसे लोग गवर्नमेंट तो हम दूसरे सूबों में देखते हैं कि उन खुद जाकर उनको जॉब देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेक्चरर हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी तक आप गई हैं, वहाँ से होना एक बड़े एजाज़ की बात है, तो ये क्या वजह है? देखिए, अप्लाई किया क्यों नहीं, अप्लाई मैंने किया है यहाँ हर पोस्ट पर जो आर्ट का, फाइन आर्ट्स का, उस पर अप्लाई किया, मगर ये है कि अप्रोच नहीं, जी अप्रोच नहीं है, और आपको ये पता है कि अप्रोच हो तो सब कुछ, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका काम कुछ भी नहीं है, मगर ये है कि उनकी अच्छी जॉब। आज की जो तकरीब है इसमें शिरकत करने वाले जो हमारे साथ मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और ये प्रोफेसर भी आर्ट्स के हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा तजर्बा है और वो क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कि आज की जो तकरीब है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे और कैसा लग रहा है शमूलियत करके? माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं चाहता हूँ कि हर महीने में होनी चाहिए कि आर्ट के शायकीन और भी ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे बलूचिस्तान में आर्ट के कदरदान बहुत कम है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने पंजगूर में एग्जीबिशन किया था, मेरा ताल्लुक पंजगूर से है, वहाँ तो समझो पसमानदा इलाका था, तो एग्ज़िबिशन कोई नहीं आया, एक बंदा आया, उसने कहा अंधों के शहर में आईना बेच रहे हो, मैंने कहा वाकई आपका बात सही है, लेकिन एक
दिन यहाँ लोग आर्ट को समझेंगे, आर्ट के ज़ुबान को समझें, क्योंकि गूंगे रंगों को ज़ुबान देना एक हकीकी आर्टिस्ट का औली फ़र्ज़ है, चाहे वो अपनी ज़ुबान से समझाएँ या रंगों की ज़ुबान है। और मैं अपने कल्चर को ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर टेल अस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नेचर, अ नेशन इज़ नॉलेज बाई इट इज़ आर्ट एंड कल्चर। सही, आज जो आपकी जो दो पेंटिंग्स हैं इसमें आपने क्या बताने की कोशिश की है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे मैंने चटाई के ऊपर काम किया है, और चटाई के ऊपर काम बहुत मुश्किल होता है। ये सरफेस को बनाना, उस पर प्रिपेयर करना, इस पर कलर लगाना, यानी बहुत मुश्किल हद तक ये पेंटिंग जन्म लेता है। और मैं अपने कल्चर को प्रमोट करता हूँ, अपने तेज़ी, अपने ज़ुबान, अपनी सकाफ़त को रंगों की ज़ुबान में दिखा रहा हूँ, क्योंकि 99 से लेकर आज तक मैं अपनी सकाफ़त, तेज़ी और रस्म रवाज को रंगों की ज़ुबान में कैनवस पर मुंतकिल कर रहा हूँ। सही सर, जिस तरह आपने कहा कि अंधों के शहर में चिराग जो है ना बेचने के मुतरादिफ़ है, या फिर ये कहें कि गंजे को जो है ना कंगी बेचने के मुतरादिफ़ है, हमारा समाज बदकिस्मती से आर्ट्स के हवाले से ऐसा बन चुका है, तो इसको फ़रूग देने के लिए, दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट का काम है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हर कॉलेज सतह में, हर डिग्री कॉलेज, गर्ल्स हो या बॉयज़, आर्ट को सिलेबस में लाया जाए। जब आर्ट सिलेबस में होगा तो यहाँ पे मेरे जितने क्लास फेल हुए हैं वो जम्बात चला रहे हैं, परचून का दुकान में बैठा हुआ है, मोबाइल का दुकान खोले वो मजबूर है, मास्टर डिग्री देते हुए वो भी बेरोज़गार है, या फाइन आर्ट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स को बंद करो या उनको डिग्री कॉलेज में भेज दो। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 15 साल हुए ये कॉलेज में सिलेबस में मौजूद नहीं है। मसला क्या है ना, अगर मैं अपने हेड से बात करूं, बोलता है आपको तो रोज़गार मिला है, आप क्यों बात करते हो? लेकिन मैं मीडिया को कहना चाहूँगा, मैंने सीएम साहब को भी बताया है, ज़ुबानी बताया है फेस टू फेस, कि ये होनी चाहिए कि आर्ट को अगर प्रमोट करना है, अपने कल्चर को प्रमोट करना है, अपनी तेज़ी को, ज़ुबान को प्रमोट करना है रंगों की ज़ुबान में, तो ये बात है कि हर कॉलेज में आर्ट के सेक्शन होने चाहिए। हमारे साथ इस एग्जीबिशन में एक और आर्टिस्ट भी शरीक हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कब से कर रही हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि कब से आप ये कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कृष्णा रेखी है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक राइटर भी हूँ, और ये काम मैं पिछले लास्ट 3 ईयर्स से कर रही हूँ। और इस काम को हम लोग मिक्स मीडिया या कोलाज आर्ट बोलते हैं, जिसमें मैं जो अपना एक यूनिक आइडिया लाई हूँ कि मैं ओरिजिनल ज्वेलरीज को अपनी पेंटिंग्स पे लगाती हूँ और उनकी ब्यूटी को और बढ़ाती हूँ। सही है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि आप 2-3 साल से हैं, ये एक नया आइडिया था, इसको लोग कैसे परसीव कर रहे हैं? अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत, और मुझे खुशी होती है कि लोगों को भी पसंद आ रहा है, क्योंकि ये तो एक मेरा आइडिया था कि ऐसे काम होना चाहिए कि एक एग्जीबिशन में कुछ ऐसी चीज़ हो जो बहुत यूनिक हो, बहुत डिफरेंट हो, और ये इंसान को डाउट होता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट डिस्प्ले अपना काम किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आया था, तो अच्छा जा। अच्छा, इसकी आपने कोई ट्रेनिंग ली है या पैशन है? नहीं, मैंने जो है ग्रेजुएशन की है सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे फाइन आर्ट्स किया है, तो और वहाँ पे फाइन आर्ट्स में जिसे आम कोर्स सब कर रही है वो करती हूँ। ये काम वहाँ नहीं सिखाया गया, ये मैंने खुद से आइडिया मैं लाई हूँ एक्सपेरिमेंट्स कर करके। सही, फाइन आर्ट्स आर्ट्स की दुनिया में बड़ी कदर है हमारे मुल्क में, और फिर स्पेशली जब बलोचिस्तान में आते हैं तो यहाँ पर उस तरीके से अहमियत दी नहीं जाती, और वो जो लोग जाते हैं उनके लिए मौके बहुत कम होते हैं। तो क्या देख रही हैं, फ्यूचर कैसा है, और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो आर्टिस्टों के लिए क्या करें? मैं सिर्फ एक ब्लेम सिर्फ हुकूमत को भी नहीं करना चाहती, मैं आर्टिस्ट को भी बताना चाहती हूँ कि वो भी अपना काम और करें और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि एक तो यह है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो हम हर कोई आगे आ सकता है आराम से, तो आर्टिस्ट भी काम करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ फिर मिलती ही जाएंगी, ना मिलती हैं तो हम एक बंदे पे नहीं वो कह सकते कि उनकी वजह से नहीं मिला, आप और करते रहें काम, अपॉर्चुनिटीज़ इंसान को मिलती जाती हैं, तो काम आगे बढ़ता है, टाइम लगता है हर चीज़। जिस तरह से म्यूज़िक इवेंट हुए वो हमारे पहले भी हो रहे थे यहाँ पर, जो मीर नसीर खान ऑडिटोरियम है वहाँ पर इस तरह के इवेंट हम लोगों ने करवाए थे,
एग्जीबिशन भी इस तरह का भी हमारा प्रोग्राम है कि इस तरह भी हम लोग अभी तवज्जो देंगे और ये इस तरह के प्रोग्राम और भी करवाएंगे ताकि हमारे आर्टिस्ट को ये मौका मिल सके कि वो अपने जो आर्टिस्टिक वर्क हैं वो इसका एग्जीबिशन करवा सके। देखिए आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियली इस वक्त हम लोग 69 आर्टिस्ट का जो उम्र के इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो लोग काम नहीं कर सकते उसका हम लोग मदद कर रहे हैं। अभी हमारी दो दिन पहले हमारी एक दूसरी मीटिंग हुई थी तो इसमें उसमें अभी कुछ और एड हो जाएंगी, ये तकरीबन 78-80 तक बन जाएंगे और इस गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट के साथ इतनी ज़्यादा मदद की हुई है कि पहले ये एक एंडाउमेंट फंड होता था जिसे हम लोग इस तरह के आर्टिस्ट की मदद कर सकते थे, वो 200 मिलियन होता था, वो डबल करके अभी 400 मिलियन तक कर दिया है। तो वो अगर पहले हम लोग अगर 70 आर्टिस्ट का मदद कर सकते तो इस तरह की हम लोग अभी डबल का कर सकेंगे। इसी तरह से जो आर्टिस्ट बीमार होते हैं उनकी मदद के लिए कोई फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत होती है वो पहले भी हम लोग करते रहे और अभी मज़ीद कर सकेंगे जब हमारे साथ ये इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। ये तो उन आर्टिस्ट की बात है जो उम्र के इस स्टेज पर पहुँचे हुए जो वो अपनी मदद नहीं कर सकते उनकी मदद की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल मदद की। दूसरे आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर मीर नसर खान ऑडिटोरियम में जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिस तरह से ये एक हफ्ता पहले हम लोगों ने शेख हमीद का एक दिन मनाया, इसी तरह से हर एक आर्टिस्ट का अभी गजनवी साहब का अभी हम लोग एक दिन मना रहे महमूद गजनवी। तो इस तरह से जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं इनको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उनको मौका देंगे कि अपने हुनर का मुजाहरा कर सकें और ये कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं ये सोसाइटी में जितने ज़्यादा फैलाए जा सके वो कर रहे हैं। और दूसरी बात है भी इस वक्त आर्ट काउंसिल का बिल इस वक्त असम्बली में है, जो नेक्स्ट सेशन असम्बली का होगा वो आर्ट काउंसिल का बिल वो पास हो जाएगा और इस तरह से एक आर्ट काउंसिल का बिल अभी पास हो जाएगा। जो हम लोग आर्टिस्ट की मदद करें उसमें सारे आर्टिस्ट ही हैं जो बैठ करके अपने उन लोगों का सिलेक्शन करते हैं जिनको मदद करने की ज़रूरत होती है। तो ये डिपार्टमेंट सब कुछ ये कर रहे हैं। अच्छा, ये एक प्रपोज़ल बिल्कुल बलूचिस्तान के अलावा दूसरे सूबों में भी इस तरह की ये पेश हुआ था लेकिन वो मटेरियलाइज इस वजह से नहीं हो सका। आप लोगों को पता है पहले भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा कोटे रखे हुए हैं, मज़दूरों का भी कोटा है, ख़वातीन का कोटा है, माइनॉरिटी का कोटा है, तो इस तरह से कई सारे कोटे रखे हुए हैं। तो इस वजह से वो शायद उस पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका लेकिन इस बेहतर मदद इस तरह से हो सकती है जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट की इस तरह की पोस्टें हैं जो आर्ट से रिलेटेड है उस पर हम लोग बिल्कुल आर्टिस्ट को ही मौका देंगे कि वो उस पर एप्लीकेशन जमा करें और उनका सिलेक्शन होगा। दूसरा एक प्रपोज़ल है डिपार्टमेंट का, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में म्यूज़िक टीचर होते हैं, आर्ट टीचर होते हैं, इस तरह के जो पब्लिक स्कूल्स हैं अगर इनमें भी इस तरह की पोस्टें क्रिएट गवर्नमेंट कर ले पब्लिक सेक्टर में भी जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में है तो इससे भी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक एवेन्यू खुलेगा। आपने सेक्रेटरी सकाफत व सियाहत आए आए सर आए ठीक है क्यों आपकी जो है आपने आपने सेक्रेटरी सकाफत व सियाहत आसिफ अरीफाल साहब की बातें सुनी जो ये कह रहे थे कि हमारी हुकूमत खसूसी तवज्जो दे रही है इस पर। यकीनन जिस तरह हम कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स हर काम में फिट हो, आर्ट्स का एक अपनी स्पेशलाइजेशन है, हर बंदा आर्टिस्ट नहीं बन सकता, ये बड़े नायाब लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, अपनी पेंटिंग के थ्रू एक पूरा नज़रिया दे रहे होते हैं, एक बयानिया दे रहे होते हैं, एक पैगाम दे रहे होते हैं। तो इन नायाब लोगों की हमें कदर करनी चाहिए और इसी तरह हुकूमत हम दूसरी जगहों पर देखते हैं कि वो बड़े नायाब लोग होते हैं, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हुकूमत को खसूसी तवज्जो देनी होगी, अगर इन पर तवज्जो करेंगे और माशरे को, क्योंकि एक माशरा आर्टिस्ट की इज्जत करेगा ही तो ही वो आर्टिस्ट सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कि उसे कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने काम में मज़ीद चेंजिंग लाएगा, मज़ीद उसे निखारेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें अहम किरदार अदा करेगा, साथ हुकूमत इस पर खसूसी तवज्जो देगी और
जो हमारा ये तबका है इसको आगे लाएगी। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।